नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई योजना जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं एनएचएम यूपी नेशनल हेल्थ मिशन यूपी जिसके अंतर्गत जो है इस योजना के बारे में बताया गया है। निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो टीबी से ग्रसित हैं। इस योजना के तहत मरीजों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यूपी सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका ये ट्वीट है, नेशनल हेल्थ मिशन, और इसमें जो है यूपी सरकार ने जो है इसको अब शुरू करने का आदेश दिया है। भारत सरकार इसको पहले से जो है लागू कर चुकी है इसको, और अब जो है यूपी सरकार की ओर से भी जो है इसको शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 23 अक्टूबर का ये ट्वीट है जिसमें जो है इसके बारे में डिटेल में जानकारी बताई है। और साथ ही साथ निक्षय मित्र सरकारी प्रयासों के पूरक के लिए टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेजी लाने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ब्लॉक, शहरी और बार्डो जिला एवं राज्य स्तरों पर जो है सहायता करते हैं जो निक्षय मित्र होते हैं। तो फुल डिटेल, फुल जानकारी आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो पर बनिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऊपर आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए, सबसे पहले इस योजना का नाम निक्षय पोषण योजना पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। टीबी के जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो है ये चलाई गई है। इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आवेदन प्रक्रिया आप इसकी ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल से आप अपने सरकारी अस्पताल में जो आपके शहर, आपके जिले, आपके आसपास है उसके बारे में वहाँ पर जाकर इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं https://niksha.in, ये niksha.in जैसे आप सर्च करोगे इसके बारे में डिटेल निकल कर सामने आ जाएगी। आप फुल्ली अपने मोबाइल के माध्यम से जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आगे आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या आवश्यकता है, आपको किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। देखिए, प्रत्येक लाभार्थी को एक बेनिफिशियरी यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उसकी पहचान की जाएगी। लाभार्थी को अपने बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा। इस विवरण में उनके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईडी, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर जो है शामिल होगा। जो यानी कि जो भी लाभार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उनको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी PFMS के साथ ही पंजीकृत आपको होना अनिवार्य है। PFMS द्वारा लाभार्थी को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जो पंजीकरण के समय जमा करना आपको अनिवार्य है। तो वह आईडी किस तरीके से बनेगी वह मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को केवल तभी लाभ प्रदान किया जाएगा जब DTO द्वारा यूजर आईडेंटिफाइड एस यूनिक का स्टेटस अपलोड किया जाएगा। लाभार्थी को नोटिफिकेशन के समय 1000 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाएगी। जब दोस्तों हाथ के हाथ आपको 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों इससे पहले भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं उन पर मैंने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको वह सारी योजनाएं मिल जाएंगी, उनके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। देखिए, 1000 रुपये की राशि प्राप्त होने के पश्चात टीबी के ट्रीटमेंट के 56 दिन बाद आपको 500 रुपये की राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी। लाभ की राशि का विवरण 167 दिनों के पश्चात बंद कर दिया जाएगा। जब आप ठीक हो जाओगे उसके 167 दिन बाद जो है यह पैसा आना बंद हो जाएगा। यदि लाभार्थी का ट्रीटमेंट 167 दिन के बाद भी चल रहा है तो इस संबंध में विभाग को आपको जानकारी देनी होगी, और अगर आप जैसी जो है यह जानकारी दोगे तो आपकी जो है योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। ट्राइबल एरिया में रहने वाले नागरिकों को ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स के रूप में 750 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उपचार समर्थक को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि जब आप हॉस्पिटल जाओगे वहाँ से आने जाने का जो चार्ज लगेगा, जो पैसे खर्च होंगे किराए में, वह भी आपको 750 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी उस रूप में, और साथ ही साथ 1000 से लेकर 5000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी जब तक आपका इलाज चलेगा। लाभार्थी को अपने बैंक खाता विवरण जमा करना होगा। बैंक खाता विवरण दर्ज करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी विवरण दर्ज गलत न हो। लाभार्थी द्वारा पासबुक की फोटो काफी जमा करनी होगी। यदि लाभार्थी अपने किसी रिश्तेदार के खाते में लाभ की राशि प्राप्त करना चाहता है तो इस संबंध में लाभार्थी को एक डिक्लेरेशन दर्ज करना होगा। लाभार्थी द्वारा आधार नंबर भी जमा करना अनिवार्य है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे, बैंक की पासबुक, अपना आधार कार्ड, और डॉक्टर द्वारा जो डॉक्टर रिपोर्ट बना करके देगा कि आपको टीबी है, तो उसकी रिपोर्ट
आपको वहां पर देनी होगी। देखिए इस योजना का लाभ देश के सिर्फ टीबी ग्रसित लोग ही उठा सकते हैं। देश एक जो मरीज आधिकारिक निक्सा पोर्टल पर पंजीकृत होंगे उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो लोग पहले से ही टीबी का इलाज कर रहे हैं इसके पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पात्र वही होंगे। और ज़्यादा जानकारी आप मेरी इस वीडियो से तो जो जानकारी मिलेगी वह ले लीजिए, लेकिन और ज़्यादा जानकारी आपको आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ से आपको जो जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया हुआ आवश्यक मेडिकल प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। रोगियों को अपने आवेदन पत्र भी यहाँ पर जमा करने होंगे। बैंक अकाउंट की पासबुक भी आपको देनी होगी। देखिए जैसे ही मैंने आपको वीडियो में शुरू में मैंने ट्वीट दिखाया था, वही ट्वीट में जो है एक इनका टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, आप उनको देख लीजिए, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फुल डिटेल फुल जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है देख ली। सबसे पहले तो आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट मैंने शुरू में आपको बताई है, वहां पर आप जाकर के nixia.in इस वेबसाइट पर आप जो है लॉगिन पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे आप होम पेज पर लॉगिन का फॉर्म आपको वहां पर दिखाई देगा, अब आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर्म के नीचे न्यू हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन वहाँ पर लिखा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अब आपके जो पेज है खुल जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो खुल जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट, प्रोफाइल, सर्विस प्रोवाइडेड आदि जो भी डिटेल जो भी जानकारी वो मांगेगा आपको सारी की सारी यूनिक रूप से फिल कर देनी है। गलत कुछ भी नहीं करना है, एकदम देखभाल से जो है आपको अच्छे तरीके से भरनी है। सभी जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपको एक यूनिक आईडी कोड पर जो है यूनिक आईडी कोड मिल जाएगा, वो दिखाई देगा आपको। तो आपको जो है लिख लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो मैंने आपको बता दें आपको यूनिक कोड भी लगेगा वही तो आपको वो चाहिए होगा, आगे बहुत काम का आपके होने वाला है। सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा। वहां जाकर आप लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आप बनाओगे वो डाल देना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप हेल्थ केयर सेंटर की निष्पक्ष पोषण योजना में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप अपने जो आसपास में जो आपके जनसेवा केंद्र है वहां पर भी इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने आस पड़ोस के जो भी आपके आसपास भारत सरकारी अस्पताल होते हैं जहां पर आपको फ्री में दवाई मिलती है 1 रुपए का पर्चा बनाकर, तो आप वहां पर भी इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। फुल डिटेल आपको फुल जानकारी मिल जाएगी अगर आपको इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्प मिली हो, जरा भी आपको थोड़ी भी सहायता मिली हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर रूपाल पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।